Unacademy. Let's crack it. Hey guys, welcome to Unacademy. देखो आज हम जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लासेस हमने बहुत ली हैं आपके साथ क्वांट की, LRDI की, बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप कैट का एग्जाम दे रहे हो, उसके अलावा आप और किस किस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो जो कि जिनका फीस अकॉर्डिंग टू ROI बहुत अच्छा है। उसमें से कॉलेज आता है जो आज हमने कॉलेज जो सेलेक्ट किया, दैट इज MDI। MDI इज अ गुड कॉलेज, कुछ IIM से ऊपर है। इसकी जो रैंक है, दिस इज रैंक्ड अमंग 13th बाय NIRF 2023। तो अच्छा कॉलेज है। जो हाईएस्ट पैकेज है 60 लाख पर एनम, बहुत बढ़िया पैकेज है। और इसका जो मीडियन पैकेज है, एवरेज पैकेज भी इसी के आसपास है, 26.13 लाख पर एनम। तो अकॉर्डिंग टू इट्स फीस, दिस इज वेरी वेरी गुड कॉलेज। इसमें जो एडमिशन प्रोसेस है, क्या क्या इसमें आपको रिक्वायर्ड है, क्या करना चाहिए, क्या डेट्स है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज वेरी गुड कॉलेज, हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ रैंक वाइज। देखो ये जो रैंक है ना, जो NIRF ने जो रैंकिंग दी थी 2023 में, मैंने जो येलो से किए हुए ये IIMs हैं, जैसे अहमदाबाद टॉप पर है, उसके बाद बैंगलोर है, फिर कोझिकोड है, फिर अच्छा कोझिकोड बहुत जल्दी ऊपर आ गया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो गया। कलकत्ता है, उसके बाद IIT दिल्ली 5th रैंक पे आता है, ठीक है। देन IIT लखनऊ, IIM लखनऊ है। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई, ये भी बहुत अच्छे रैंक पर आता है, 7। हमारा जो आज का कॉलेज है जो है MDI के बारे में, MDI इज 13। मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के लिए। तो याद रखना, आपके मन में जो कैट के थ्रू IIM बचा है ना, उससे अलग भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि IIM से भी अच्छे कुछ कॉलेज हैं, जैसे खड़गपुर है, IIM उदयपुर है, IIM काशीपुर से भी बहुत टॉप पर ये कॉलेज आता है, 13th रैंक है। तो दिस इज अ गुड कॉलेज। तो आज हम इस कॉलेज के बारे में कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, राइट। आई विल शेयर कंप्लीट डिटेल ऑफ दिस कॉलेज, कैसे इस कॉलेज में आप एडमिट हो सकते हो। तो याद रखना, इस कॉलेज के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए इन बोथ 10th एंड 12th। यहाँ पर देखो, इस कॉलेज में 3 तरह के कोर्स होते हैं, एक PGDM रेगुलर, फिर HRM होता है, फिर इंटरनेशनल बिजनेस। 3 तरह के कोर्स हैं। इसमें मिनिमम 3 इयर्स बैचलर डिग्री फॉर दिस एंड मिनिमम 4 इयर्स बैचलर डिग्री प्लस 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। तो आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप IB में जाना चाहते हो। और नॉर्मल PGDM या HRM करते हो तो उसमें आपको 3 साल की बैचलर डिग्री इज सफिशिएंट। तो अगर आपको IB का इंटरेस्ट है, देन यू मस्ट हैव 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। अच्छा, इस कॉलेज में एग्जीक्यूटिव MBA भी होता है, उसकी फीस थोड़ी सी कम है। मैं भी आपको बताता हूँ फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है इसका कॉलेज का। तो अगर हम PGDM की बात करते हैं, 23 लाख फीस है और नंबर ऑफ सीट्स है MDI गुड़गांव में 240। इसके 2 कैंपस है, एक MDI मुर्शिदाबाद और एक MDI गुड़गांव। मैं अभी आपको गुड़गांव के बारे में बताऊंगा और आगे मुर्शिदाबाद के लिए आपको अगर आपको अप्लाई करें तो कैसे करेंगे वो सब बताऊंगा मैं आपको आगे। अच्छा, अगर आप HRM में जाते हो तो फीस 23 लाख अप्रोक्सीमेट, और IB की फीस ज्यादा है, इट इज 27,50,000। नंबर ऑफ सीट 120, 60 एंड 240। तो टोटल इनटेक जो इस कॉलेज का है अराउंड 420 का इनटेक है, राइट। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ना, एवरेज पैकेज की बात करो तो एवरेज पैकेज 24 के आसपास है। तो दिस इज गुड कॉलेज, ROI अच्छा होना चाहिए, एवरेज पैकेज अगर आपकी फीस के बराबर, दिस इज गुड कॉलेज। रैंक 13 पर आता है। अच्छा, अब इसका जो प्रोसेस है, याद रखना, इसका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ये सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा। आपको इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगे एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन टिल फ्राइडे नवंबर 25-23। ये लोग पता क्या करते हैं, MDI वाले कैट के एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले अपनी एप्लीकेशन क्लोज कर देते हैं। ये टेंटेटिव डेट्स हो सकती हैं, जैसे कैट का एग्जाम से 2 दिन पहले दे विल क्लोज देयर एप्लीकेशन। तो अगर आपको लगता है कि यार यू आर अबव 97 परसेंटाइल, तो आप इस फॉर्म को भर देना, सितंबर से ओपन हो जाएगा। अगर आप खाली MDI गुड़गांव के लिए भरते हो तो यू हैव टू पे 3,000। अगर आप दोनों कॉलेज के लिए भरते हो, मुर्शिदाबाद के लिए भरते हो, यू हैव टू पे 3590, ठीक है। इसमें 18% GST भी लगेगा। तो ऑलमोस्ट इधर 3600 करीब और इधर अराउंड 4000 आपकी फीस पड़ेगी इफ यू गो फॉर मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद भी बिलो कॉलेज है, इसलिए कि हाँ आप जब फॉर्म भर रहे हो तो फिल फॉर मुर्शिदाबाद एज वेल। परसेंटाइल की बात अगर हम करते हैं तो इफ यू आर अबव 97 तो यू कैन एक्सपेक्ट कॉल फ्रॉम दीज कॉलेजेस। और याद रखना वर्क एक्सपीरियंस प्ले अ मेजर रोल इसमें। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस, दिस इज द गुड कॉलेज। अगर आपका अप्रोक्सीमेट 18 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस है तो इसमें आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। 97 प्लस 18 मंथ प्लस वर्क एक्सपीरियंस, तो दिस इज गुड कॉलेज फॉर यू। आपके इसमें एडमिशन के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, देखो फीस की बात करते हैं तो सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट सितंबर के लास्ट वीक से इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। केवल अगर आप एमडीआई गुड़गांव में अगर अप्लाई करोगे तो यू हैव टू पे 3000। इसमें जीएसटी अलग से है आपका। एंड इफ यू अप्लाई फॉर एमडीआई गुड़गांव, एमडीआई मुर्शिदाबाद, ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशन फी होगी 3590। तो मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि एमडीआई मुर्शिदाबाद भी अराउंड 40-45 रैंक पर आता है, तो आप उसका भी फॉर्म जरूर भर देना। अच्छा, लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर एमडीआई गुड़गांव ये आपको पहले ही भरना पड़ेगा, कैट एग्जाम से पहले। दिस डेट, अच्छा याद रखना इसमें एक्सटेंशन नहीं होता है, ये डेट फिक्स होगी, बस 25 डेट थोड़ा पीछे हो सकती है। अच्छा, एमडीआई गुड़गांव का शॉर्ट लिस्ट अनाउंसमेंट फॉर द फाइनल राउंड। देखो एक्चुअली कैट के एग्जाम के रिजल्ट के तुरंत बाद इसका राउंड स्टार्ट होता है, जीडीपीआई होगा, और इसका जो फाइनल सिलेक्शन पीआई राउंड फेब टू अप्रैल चलता है। मतलब अब इस वक्त अब कोर्स कमेंस हो चुका है 23 वाले बैचेस का, अप्रैल तक आपको फाइनली जीडीपीआई राउंड हो जाएगा। तो इट इज वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट फॉर दीज टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि अब आपको कैट पे फोकस करना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ इफ यू आर गोइंग फॉर कैट, कैट के एक एग्जाम से थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस आपके लिए ओपन हो जाते हैं। If your target is good college, MDI जैसा 40 एकड़ में फैली बिल्डिंग है ये, if you are good to go for this college, अच्छा जो कॉलेजेस जैसे गुड़गांव के कॉलेज हो गए या बैंगलोर के कॉलेज हो गए या लखनऊ के एक ही कॉलेज अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपनीज अच्छी कंपनीज विजिट करती है। तो गुड़गांव में क्योंकि आईटी हब भी बनता जा रहा है गुड़गांव, तो ये कॉलेज आपको भरना ही चाहिए। अब फाइनल सिलेक्शन कंपोनेंट क्या होंगे अगर आप इस एग्जाम के लिए जाते हो, तो फाइनल सिलेक्शन कंपोनेंट आपके क्या होंगे? देखो फाइनल सिलेक्शन कंपोनेंट है कैट स्कोर, तो एक आपका ही, अच्छा ये कैसा कॉलेज है जो कैट स्कोर को ज्यादा वेटेज देता है? जैसे नॉर्मली मैंने आपको बताया था आईएम्स हो गए या अदर कॉलेजेस हो गए, कैट के स्कोर को कम वेटेज देते हैं, 40%, 30 to 40%। बट ये कॉलेज जो है कैट के स्कोर को 55% वेटेज देगा, राइट? जो भी आपका स्कोर होगा उसका 55% वेटेज। एप्लीकेशन स्कोर, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th-12th के मार्क्स का स्कोर, एकेडमिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी एंड वर्क एक्सपीरियंस। इसमें तीन चीज याद रखना। जैसे एकेडमिक डाइवर्सिटी है तो जैसे आपका, वैसे तो ये लोग बोलते हैं कि 50% इज मिनिमम क्वालिफिकेशन, बट ये कुछ मार्किंग स्कीम होती है, 60% हो गया, 70%, 80% एंड 90% अबव। तो यहाँ पर ये लोग 5 मार्क्स, फिर 4, 3 कुछ ऐसे मार्क्स देते हैं लोग, 50 to 61 मार्क्स। उसी तरह से वर्क एक्सपीरियंस, में आपको मैं हमेशा बोलते आया हूं कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर एमबीए तो बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर एमबीए प्लानिंग इज वंस यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 18 मंथ एंड अबव, क्योंकि 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद दे गिव यू लेस मार्क्स, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका 18 महीने हो गया तो बहुत बेस्ट टाइम है आपको गिव कैट एंड गेट गुड परसेंटाइल एंड गो फॉर एमबीए, राइट? तो वर्क एक्सपीरियंस में याद रखना 5 मार्क्स होते हैं वर्क एक्सपीरियंस के इफ यू आर बिटवीन 2 ईयर to 3 ईयर्स। और वैसे भी कॉलेज टू कॉलेज ये डिफरेंट होता रहता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 18 महीने 1 साल से 3 साल के बीच में आपका बेस्ट टाइम होता है टू स्टार्ट योर एमबीए। उसके बाद जेंडर डाइवर्सिटी, ये लोग क्या करते हैं कि मेल को 0, फीमेल को 2 मार्क्स, बिकॉज फीमेल की एंट्री ज्यादा करनी है, क्योंकि इनटेक फीमेल का कम होता था। अब जब से इन्होंने जेंडर डाइवर्सिटी करी और फीमेल को 2 नंबर मिलने लग गए तो उससे फीमेल की एंट्री ज्यादा हो गई। तो 15% आपका एप्लीकेशन स्कोर होता है। एंड देन पर्सनल इंटरव्यू, दिस इज 30%, जीडीपीआई होता है, इसमें पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो दिस इज द टोटल वेटेज किस तरह से ये लोग इनटेक लेते हैं। फाइनल कट ऑफ के बाद आपका अप्रैल और मई के स्टार्टिंग में आपका फाइनल राउंड कंप्लीट हो जाता है। एंड देन यू विल गेट योर लिस्ट, आप अपना नाम उस लिस्ट में देख सकते हो अगर आपका इस तरह का स्कोर। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका प्लेसमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हाँ मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा विशाल, मैं आईआईटी दिल्ली के बारे में भी लेके आऊंगा। आज मेरा जो मेरा आज कॉलेज है एमडीआई गुड़गांव है, मैं आपको 1 by 1 सारे कॉलेज कराऊंगा। मैं हफ्ते में 2 कॉलेज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट, कैट तक मैं आपको सारे कॉलेजेस की डिटेल बता दूंगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी कॉलेज, देखो बैच साइज 472, 420 कुछ फेलोशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट भी होते हैं इसमें। अच्छा, कंपनीज विजिटेड 102, 21 न्यू। देखो एक बात ध्यान रखना, किसी भी कॉलेज में अगर न्यू कंपनीज आती है इट मीन इट इज अ गुड कॉलेज, इसकी जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज हो रही है। बहुत से कॉलेज हमने देखा कि नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड डिक्रीज होती है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, राइट। 21 न्यू कंपनीज हैं। मैक्सिमम ऑफर बाय अ सिंगल कंपनी 55 बच्चों को रिक्रूट किया, मैक्सिमम ऑफर बाय अ सिंगल कंपनी। नंबर ऑफ पीपीओ 154, हाईएस्ट सैलरी पैकेज 60 लाख पर एनम। अब ये जो 3 डेटा है ना, मीडियन 26.13। अब इसके 3 जो कोर्सेस हैं, एक तो पीजीडीएम और पीजीडीएम आईबी, एवरेज पैकेज आपका जाता है 27 लाख। देखो मैंने आपको बताया था ना, जो कॉलेज की फीस और पैकेज अगर मीडियन बराबर हो तो दिस इज अ गुड कॉलेज। अच्छा, पीजीडीएम एचआरएम एवरेज पैकेज 26.42 लाख, एंड कंसल्टिंग में 112 ऑफर्स हैं, एंड कंसल्टिंग में 46 ऑफर इन एचआरएम डिपार्टमेंट। तो ये हो गया आपका इसके जो प्लेसमेंट के बारे में, दिस इज अ गुड प्लेसमेंट। अब हम आते हैं जो इनके इनटेक है, उसमें किस कैटेगरी के लोग ज्यादा है। अच्छा, एक और इसमें आप ध्यान रखना कि इंजीनियर्स का वेटेज हर कॉलेज में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको अगर आपने कैट 2015 से पहले के एग्जाम पेपर देखे होंगे तो आपने देखा होगा कैट का पेपर ना पहले टिल्टेड टुवर्ड्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। उस वक्त इन कॉलेजेस में जैसे एमडीआई हो गया, आईएम हो गया, उसमें 85% इंजीनियर्स हुआ करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक ट्रेंड आया कि यार अगर कोई इंजीनियर है तो वो एमबीए क्यों कर रहा है, एमबीए करना है तो भाई आप बीबीए किया हो या कॉमर्स का साइड हो। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा पेपर को टिल्ट किया टुवर्ड्स नॉन मैथ्स बैकग्राउंड इंजीनियर्स के लिए किया, नॉन इंजीनियर्स के लिए। तो मैं हमेशा बताता रहता हूं कि अगर आपको अब कैट निकालना बहुत आसान हो गया, क्योंकि कैट में अर्थमेटिक का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया। इफ यू आर नॉन इंजीनियर, अगर आप अर्थमेटिक थोड़ा सा वर्क कर लो, थोड़ा सा अलजेब्रा के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक कर लो, तो आप कैट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। वैसे इस कॉलेज में इंजीनियरिंग का 77% है, ऑलमोस्ट ऑल आईएम्स में 72 to 75 इंजीनियर्स का जो वेटेज होता है वो है, लेकिन इसमें ज्यादा है इंजीनियर्स का 77%, क्योंकि इंजीनियर्स की चॉइस ये कॉलेज ज्यादा है। गुड़गांव के पास होने से फायदा मिलता है इस कॉलेज को। एंड कॉमर्स के 12%, आर्ट्स एंड अदर्स के 11%। तो ये बहुत थोड़ा है। आप लोग जो आर्ट्स या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनको मेहनत करनी चाहिए। याद रखना कैट इज नॉट लाइक कि आपको सारे क्वेश्चन करना है, कैट इज लाइक सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता रहता हूँ कि इफ यू वांट टू क्रैक कैट, आपको क्वेश्चन के टाइप्स वाइज मेहनत करनी है, लगातार क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अल्टीमेट गोल यही होता है कि यार आपको स्कोर करना है। उस वक्त आपको कुछ काम नहीं आएगा, कितना भी हम आपको मोटिवेट कर दें कुछ काम नहीं आएगा। जब जितना आपने मेहनत की होगी वही काम आएगा। अगर आप 2 घंटे वीडियो देखते हो तो आपको 4 घंटे खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एग्जाम लाइक कैट। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम वो 2 घंटे आपको लाइफ के बनाने पड़ेंगे। उस 2 घंटे एग्जाम देने के लिए आपको लगातार पर डे 4 से 5 घंटे मैथ्स करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम आने वाली है आपको मैथ्स में आने वाली है। एलआरडीआई में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, नंबर ऑफ सेट्स इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि एलआरडीआई में कुछ भी सर्टन नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो नॉन इंजीनियर्स के लिए भी स्कोप है। एक्चुअली होता क्या ना, डर लगने लगता है बच्चों को कि यार मैथ्स कैसे करेंगे, एलआरडीआई कैसे करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए। अच्छा, हम आते हैं वर्क एक्सपीरियंस की तरह जो बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं तो किस तरह का उनका वर्क एक्सपीरियंस का चार्ट था। एनालिटिक्स एंड कंसल्टिंग में 23%, सेल्स एंड मार्केटिंग में 16%, बीएफएस एंड अदर्स बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में 14%, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटिंग 22 एंड आईटी में सबसे ज्यादा बच्चे इसमें आते हैं। तो मतलब ये एक बैलेंस्ड है, लेकिन यहाँ पर ये अनबैलेंस्ड है, इंजीनियर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो मैं उन सभी बच्चों से बोला जाता हूँ जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, मेहनत करो, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। इस चैनल पर मेरी कई वीडियो जो मैथ्स में आपको हेल्प करेंगे। और कल मैं क्लास लेने जा रहा हूँ 11 बजे, जिसमें मैं बताऊंगा नॉन इंजीनियर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड या नॉन इंजीनियर्स को कैसे आप कैट क्रैक कर सकते हो, कल मैं बताऊंगा, तो वो क्लास जरूर अटेंड करना आप लोग। अच्छा, अब हम आते हैं कि इस कॉलेज के लिए क्या क्या काम कीजिए। देखो, एवरेज कैट परसेंटाइल 97.86, तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 98 प्लस 99 अबव जाना है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पीआई राउंड जो होता है वो बहुत मायने रखता है इस एग्जाम में, इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो 97.86 ऑलमोस्ट 98%, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 99 प्लस पर जाना है, राइट? और आपके पर्सनल इंटरव्यू में बहुत अच्छा आपको परफॉर्म करना, देन यू कैन गेट एडमिशन टू दिस कॉलेज। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 21 मंथ, मैंने बताया ना 12 मंथ के अबव, 18 मंथ के अबव, एवरीथिंग इज गुड। टीयर वन कॉलेजेस में से 25% स्टूडेंट इस में आते हैं, स्टूडेंट विद प्रोफेशनल सर्टिफिकेट 179। मैं आपको बताता हूँ, कुछ गूगल्स बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस प्रोवाइड करता है जो फ्री होते हैं, 4-5 महीने कोर्सेज, वो भी आप करते रहोगे साइड वाइज, वो आपके प्रोफाइल को इंक्रीज ही करेंगे। एवरेज एज 26 ईयर्स। जेंडर डाइवर्सिटी, देखो अभी भी फीमेल का परसेंटेज कम है, मेल ज्यादा है 79%, 21% फीमेल, तो ये भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है इसमें। अच्छा, ये एक ओवरऑल व्यू है कॉलेज के बारे में। परसेंटेज इंक्रीज इन सीटीसी ईयरली 13.3, लास्ट ईयर से इस बार सीटीसी जो इंक्रीज हुआ 13.3 है। हाईएस्ट सीटीसी 2 साल पहले इनका एक हाईएस्ट सीटीसी आया था 1.14 करोड़। मीडियम सीटीसी 23.5 लाख। प्री प्लेसमेंट ऑफर 131, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर किसी भी कॉलेज के लिए। मैक्सिमम ऑफर बाय ए सिंगल कंपनी, ये एवरेज है ओवरऑल 4-5 साल का। टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटर 87 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 391, तो दिस इज एवरेज है की स्टेट से। ये आपको बहुत हेल्प करते हैं कि किसी कॉलेज के बारे में समझने के लिए कि कॉलेज कैसा है। अब रिक्रूटर कहाँ से ज्यादा आए थे? टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड टेलीकॉम से बहुत अच्छे रिक्रूटर आए 21%, देन हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल 6 आए, एफएमसीजी 10% एंड सो ऑन। मतलब हर डिपार्टमेंट, हर तरह के रिक्रूटर्स इस कॉलेज में आते हैं। ब्राइट कॉलेज है आप लोगों के लिए। देन जो ऑफर प्रोवाइड हुए उसमें देखो, टॉप 10 परसेंटाइल स्टूडेंट, एवरेज सैलरी 48.77, मीडियम सैलरी 49। टॉप 10, मान लो कि अगर 400 स्टूडेंट है तो 40 स्टूडेंट्स विल गेट सैलरी लाइक दिस 48.17 लाख। टॉप 25 मतलब 100 स्टूडेंट की जो मैक्सिमम सैलरी गई 39, एवरेज सैलरी 39.12, मीडियम सैलरी 35.57। टॉप 50 परसेंटाइल, बस यहां तक देखो आप। अगर आप एमडीआई में एमबीए कर रहे हो, आप ये बात याद रखना, एक बार आप एमडीआई में इंटर कर गए, कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी है, जो ज्यादा पढ़ता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। ये जो डेटा है ना, मेजर जो डिफरेंस होता है, नॉलेज जो बच्चा एमडीआई में गया है वो लक बाई चांस तो गया नहीं होगा। 98, 99 परसेंटाइल लाना कैट में, उस 2 घंटे में उस स्कोर को लाना, प्लस इंटरव्यू राउंड को फेस करके आपको एडमिशन मिलना बहुत बड़ी बात होगी। 50%, अब अगर आप 50% के अंदर आना चाहते हो तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी पड़ेगी। उसके बहुत सारे ट्रिक्स होती हैं, मैं लगातार उसकी क्लास लेता रहता हूँ। याद रखना, आप कोई भी फील्ड देख लो, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है वो हमेशा एक्सेल करता है, राइट? तो ये हो गया कि 50%। हम ये मांगे चलते हैं कि 200 बच्चों को 33 का पैकेज मिला, विच इज गुड। एवरेज सैलरी मैंने बताया 26.65, तो दिस इज ओवरऑल कॉलेज में किस तरह से कंपनीज आती है, क्या क्या कंपनीज थी उस बारे में है, प्लेसमेंट के बारे में। अच्छा, अब ये तो जो पिछला मैंने बताया था ये आपका था आईबी, पीजीडीएम एंड आईबी के लिए। अब हम देखते हैं एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या होता है। एवरेज सैलरी 30, टॉप 10 इसमें थोड़ा कम रहता है एचआरएम में। एवरेज सैलरी 32.24, मीडियम सैलरी 31। टॉप 50% देख लो 27.7, ये अच्छा है कंपेरेटिवली दिन के साथ। मतलब ये ऑलमोस्ट सभी को 23 तक, इंटायर बैच 23 और 23 के आसपास एवरेज सैलरी मिल जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट एचआरएम कैटेगरी। सो ये तो था हो गया कि एमडीआई में आपको क्या करना चाहिए, कैसे इसमें एंटर करेंगे। याद रखना, मैंने आपको बताया था एमडीआई की रैंक 13th है, बहुत अच्छा कॉलेज है। आप लोग कैट के लिए बहुत ढंग से लग जाओ। कुछ इंपॉर्टेंट डेट याद रखें, सितंबर में इसका फॉर्म आएगा, कैट के 2 दिन पहले इसका फॉर्म क्लोज हो जाएगा। इफ यू थिंक कि आपका 98 99 तक आ सकता है तो गो फॉर दिस कॉलेज। वैसे तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो 95 96 पे भी आपको मिल सकता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड स्कोर इन कैट is required to get admission in this college. We will meet you with some more interesting college. मैं कुछ और कॉलेज के बारे में वीडियो बनाऊंगा, आपको अगर किसी और कॉलेज के बारे में जानना है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं आपके साथ with some new colleges. All the best. Unacademy. Let's crack it.